2023 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ। ये भारत सरकार का 2023 का कैलेंडर है। ये कैलेंडर अब आपके सामने प्रस्तुत है। नया वर्ष, नए संकल्पों को अपने में समेटे 2023 का कैलेंडर। ये भारत सरकार का कैलेंडर है जिसे CBC ने प्रकाशित किया है। आजादी के अमृतकाल के सफर की शुरुआत का प्रतीक है कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया है। औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के संकल्प को दर्शाता है माह जनवरी। फरवरी माह किसान कल्याण और किसान कल्याण कार्यक्रमों को समर्पित है। किसान हमारे देश का गौरव है और सरकार ने समृद्ध भारत के निर्माण के लिए किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नीतियों को लागू किया है। मार्च माह भारतीय महिलाओं की भावना, नारी शक्ति का सम्मान करने का महीना है। ये उन सभी महिलाओं का जश्न मनाने का महीना है जिन्होंने कांच की छत को तोड़ा है और खुद के लिए एक मुकाम बनाया है। अप्रैल माह शैक्षिक सुधारों पर जोर सरकार के प्रमुख एजेंडे में से एक है। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री के नारे का सार है, पढ़े भारत बढ़े भारत, और अप्रैल का विषय शिक्षित भारत है। मई माह कौशल भारत कार्यक्रम के लिए समर्पित महीना है। स्किलिंग ये सुनिश्चित करेगी कि देश का कोई भी युवा अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से वंचित ना रहे। जून महीने की थीम फिट इंडिया हिट इंडिया, फिटनेस के मंत्र को भारत के हर धक घर तक ले जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सभी उम्र के लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जुलाई माह पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े सरोकारों को दर्शाता है। जलवायु के अनुकूल स्वस्थ विकल्पों को चुनने में भारत सबसे आगे रहा है। मिशन लाइफ इसका बड़ा उदाहरण है। अगस्त माह की थीम खेलो इंडिया की है। जमीनी स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने से लेकर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने तक खेलो इंडिया भारत को सभी खेलों में पोडियम के शीर्ष पर ले जाने का वादा करता है। सितंबर माह दर्शाता है वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है के विश्वास को। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य पर आधारित भारत की G20 अध्यक्षता इस प्राचीन भारतीय प्रतिमान को वैश्विक स्तर पर ले जाती है। अक्टूबर माह की थीम खाद्य सुरक्षा है। सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना अक्टूबर महीने का उद्देश्य दिखाई देता है। नवंबर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करता नवंबर माह। INS विक्रांत भारत में बनने वाला पहला विमानवाहक पोत है। जीवन को बढ़ाने और पूर्वोत्तर की छिपी प्रतिभा और खजाने का जश्न मनाने पर केंद्रित है दिसंबर माह। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी कहा। तो ये नए भारत के संकल्पों को समेटे 2023 का भारत सरकार का नया कैलेंडर है। अब हम निवेदन करेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। नया वर्ष, नए संकल्प, भारत सरकार कैलेंडर 2023 के लोकार्पण के इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानित मंच, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों सज्जनों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये कैलेंडर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का प्रतिबिंब है। कहा जाता है एक तस्वीर हजारों शब्दों पर भारी होती है, और इस कैलेंडर में बदलते भारत बढ़ते भारत का 12 बहुत ही प्रभावशाली चित्रों का संकलन है। कर्तव्य पथ, किसान कल्याण, नारी शक्ति, शिक्षित भारत, कौशल भारत,
फिट इंडिया, खेलो इंडिया, मिशन लाइफ, वसुदेव कुटुंबकम, खाद्य सुरक्षा, अष्टलक्ष्मी की 12 थीमों, मोदी सरकार की 8 वर्ष की जन कल्याणकारी एवं राष्ट्र उत्थान में किए गए सम्यक प्रयासों के सुखद परिणाम की एक झलक है। ये कैलेंडर सिर्फ चित्रों का संकलन अथवा तिथियों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि बीते कल की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ आने वाले कल के संकल्पों को सिद्ध करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि हम जब इसे दीवार पर टंगा देखेंगे, यह हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अमृतकाल की जब बात की कि अगले 25 वर्षों में हमें देश को किन ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो पंच प्रण का संकल्प करने के लिए भी कहा। और ये पंच प्रण में जहां विकसित भारत बनाना है, वहीं पर गुलामी की सोच से मुक्ति भी पानी है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता के साथ काम करके भारत के हर नागरिक द्वारा कर्तव्य पालन के लिए भी आह्वान किया गया है। तो ये कैलेंडर ना केवल तारीखों, छुट्टियों और बाकी जानकारी देगा, बल्कि हमें हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाएगा और भविष्य का भारत विकसित भारत बने उसके लिए हमें पंच प्रण का याद भी बार बार करवाएगा। आज ये पुण्य पड़ाव एक नई राह, एक नए संकल्प, एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें इन पंच प्रण को नित्य दोहराने और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आज़ादी के 100वें वर्ष तक हम एक विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित भारत के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर सकें। हमें भारत को सशक्त बनाने की विकास यात्रा को जन आंदोलन के रूप में बदलना होगा। भारत सरकार का ये कैलेंडर पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण नहीं आ पाया, डिजिटल कैलेंडर ही पहले लॉन्च करना पड़ा और इस बार 2 साल के अंतराल के बाद इसे छापा गया है। ये कैलेंडर केवल तारीखों और छुट्टियों के दस्तावेज के रूप में ही नहीं, बल्कि सरकार की पहल और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए भी एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में दिखेगा। सरकारी कार्यालयों में प्राप्त लक्ष्यों के लिए एक दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है और उपलब्धियों की चयनित सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरित करता है। उसी के लिए इसे रचनात्मक डिज़ाइन इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ये वर्ष G20 प्रेसिडेंसी का भी है, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश के 55 से ज़्यादा स्थानों पर, 200 से ज़्यादा जब ये मीटिंग्स देश दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे खूबसूरत भारत के अलग अलग कोने से हमारा गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, इसकी जानकारी लेकर दुनिया भर में भारत की असली छवि दिखाने का भी इसमें अवसर मिलेगा। तो पिछले 2 सालों में कैलेंडर को एक डिजिटल रूप में जैसे लॉन्च किया है, इस साल ये डिजिटल, फिजिकल और डिजिटल दोनों ही रूप में उपलब्ध भी होगा। हालांकि भौतिक कैलेंडर की छपाई पारंपरिक तरीकों में से एक है, लोगों के मन में समान महत्व रखता है, इसलिए इसकी भारी मांग भी रहती है। ये वर्ष में 365 दिन भारत सरकार के विभिन्न कार्यालय और विभागों में प्रमुखता का स्थान रखता है और विभिन्न मंत्रालयों को गर्व और उपलब्धि की भावना प्रदान करता है जिनके कार्य पहल कैलेंडर में शामिल होते हैं। मुद्रित कैलेंडर देश भर की सभी पंचायतों को भेजे जाते हैं, जहां वे जमीनी स्तर पर आम जनता के लिए जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नीतियां, पहलों और योजनाओं के बारे में एक संदेश देने का उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जो सभी के लाभ के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में एक उत्पाद में पूरे 1 वर्ष के लिए विकासात्मक संदेश देता है। संक्षेप में, ये संचार के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है। इस साल के कैलेंडर में, जैसे आपको बताया गया कि जो काम पूरा हो चुका है उसको भी दर्शाया गया है और जो काम आगे चल रहे उसको भी इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए विषय
नया वर्ष नए संकल्प, तो नए संकल्प भी लेंगे और अमृतकाल में भारत को आगे भी लेकर जाने का काम करेंगे। हिंदी अंग्रेजी के अलावा इसे 11 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में, पंचायती राज संस्थानों को वितरित किया जाएगा। ऑटोनोमस बॉडीज़ हों, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हों, उनके लिए खरीद के लिए भी उपलब्ध होगा। और लगभग 11 लाख इसकी अब तक प्रिंटिंग करने का निर्णय किया गया है। पंचायतों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में 2.5 लाख कैलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय हों, केंद्रीय विद्यालय हों, BDO DM के दफ्तर हों, इन सब में भी इनको भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि सन 2022 के कैलेंडर के अब 3-4 दिन ही मुश्किल से बचे हैं, तो प्रसार भारती ने जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हैं उस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रसार भारती ने रणनीतिक स्थानों में लगभग 50 ट्रांसमीटर्स को छोड़कर अपने अप्रचलित एनालॉग टेरिस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। फिक्की EY की रिपोर्ट 2022 के अनुसार DD फ्री डिश 2022 की शुरुआत तक 4.30 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। प्रसार भारती के YouTube चैनल्स का सब्सक्रिप्शन बेस 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र अब कुल बढ़ाकर 397 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। पहले नहीं तो बहुत लंबे समय तक आपको टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए इंतज़ार कई महीनों तक करना पड़ता था, फिर वापस हमारे डिपार्टमेंट में, फिर टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब IIM और मौजूदा सामुदायिक रेडियो फिल्म क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए पायरेसी सिनेमेटोग्राफी एक्ट के लिए संशोधन के लिए हमने आप सबके के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में IFFI जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक किया, जो बहुत सफल उसका आयोजन भी रहा। 79 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग इस पर की गई। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरामा में प्रदर्शित किया गया, जबकि 180 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा थी। एक हमने नई शुरुआत की थी पिछले वर्ष, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, युवाओं को अवसर दिया फिल्म जगत के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों से जुड़ने का, मास्टर क्लास अटेंड करने का, देश और दुनिया भर के लोगों का। ये बहुत ही सफल प्रोग्राम पिछले वर्ष रहा, इस साल भी हमने किया और हम इसको लगातार आगे करेंगे। तो आप देखिए, हमारे पास अगले 10 वर्षों में हजारों लोगों का ऐसा पूल खड़ा हो जाएगा जो फिल्म जगत, भारत को कॉन्टेंट गाइड सहयोग संगठन जो है वो भी फिल्म 27 जनवरी से 31 जनवरी तक NFDC में 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मजबूतम को एक नया रूप देने का काम किया। फिल्म फैसिलिटेट है ताकि फिल्म की शूटिंग को प्रोत्साहन भी मिल सके। दुनिया में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आए हैं। पत्रकार कल्याण योजना के तहत विगत 5 वर्षों में 290 पत्रकारों या पत्रकारों के परिवारों को 13.12 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। फैक्ट चेक यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने शुरू किया और कोविड के समय तो इसका बहुत लाभ मिला कि जो दुष्प्रचार चल रहा था दुनिया भर में, कहा गया कि पेंडेमिक से बड़ा इन्फोडेमिक देखने को मिल रहा है, तो इसके माध्यम से भी फेक न्यूज़ का पर्दाफाश करने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बाकी हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी अपनी प्रभावशाली प्रदर्शनियां लगाई हैं। व्यापार करने में आसानी हो, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत में सैटेलाइट TV चैनल्स के लिए नई अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले अलग अलग थे, अब एक ही इसमें बना है। ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस को बल देने के लिए हुआ है। और रेडियो के क्षेत्र में सुधार, जैसे रेडियो के जो आपके अलग अलग ABCD कैटेगरी में इसके यूनिट्स थे, उसको भी पुनर्गठन के लिए 3 साल की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। चैनल होल्डिंग पर 15% की जो राष्ट्रीय कैप को हटाने की बड़ी लंबे समय से मांग थी वो भी पूरा किया गया है। तो 2022 में जो बहुत लंबे समय से आपकी मांगें जो पूरी नहीं भी हो पाती थी, हमने 2022 में वो सारी
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्टर से जुड़ी हुई ऐसी सारी जो मीडिया हाउसेस की मांगें थी उनको पूरा करने का काम किया है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ कंप्लायंस और ईज़ ऑफ लिविंग, इन तीनों पर ही ताकत के साथ काम किया जाए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2023 ये अपने आप में ही भारत सरकार की उपलब्धियों को भी और पंच प्रण की ओर भी हम सबको प्रेरित करेगा। और मुझे पूर्ण आशा है जब आप एक एक कैलेंडर की कॉपी अपने साथ घर लेकर जाएंगे तो आपका परिवार तो उसको देखकर पंच प्रण से लेकर देश के प्रति अपने समर्पण को याद करेगा ही कि किस तरह से आपको योगदान देना है, बल्कि आपके घर पे जो बाकी लोग आएंगे उनको प्रेरणा देने के काम भी आएगा। आप सब जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सीजन्स ग्रीटिंग मेरी ओर से आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। जय हिंद, जय भारत।